हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एपी पढ़ा था, आज हम जीपी पढ़ रहे हैं। तो जीपी में हमारा क्या होता है, सीधा एग्जांपल्स। सपोज वी हैव 2, 4, 8 and 16 अप टू 16। तो जीपी में हमारा फर्स्ट टर्म तो वही होती है, एक इसको हम ए से ही डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू 2। वहां पे एपी में हमारा क्या होता था, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते थे, यहां हम कॉमन टर्म को आर से डिनोट करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। तो आर हमारा क्या होता है, ए टू अपॉन ए वन। तो ए टू हमारा कितना है 4 और ए वन हमारा 2 है, तो आर हमारा कितना आ गया 2। और सबके बीच में कॉमन जो टर्म होती है, कॉमन रेशियो जो होता है, वो हमारा सेम होता है। जैसे अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें प्रीवियस टर्म से तो 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करें तो भी हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो जीपी में जब भी हम लेंगे तो हमारा जो कॉमन रेशियो होगा, जो कॉमन डिफरेंस तो हमारा एपी में होता है, या हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो बोलेंगे। तो कॉमन रेशियो हमारा क्या होता है कि सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा कॉमन रेशियो आता है। और जीपी में हमारा जो एनएच टर्म होती है ए एन, इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए आर के पावर एन माइनस वन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हमारी है। तो ये तो हमारा हो गया जीपी के लिए। उसके बाद फाइनाइट जीपी और इनफाइनाइट जीपी, वो आपको पता है, अगर इन आवर सीक्वेंस देर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तो फाइनाइट जीपी होगा, इनफाइनाइट नंबर टर्म्स है तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी होगा। उसके बाद हमारा आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जस्ट वेट, तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम को हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं, और एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यहां पे क्या होगा, इफ आर इज लेस देन 1, अगर हमारा रेशियो, कॉमन रेशियो जो है वो 1 से छोटा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमारा एसएन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला कब लगेगा, इफ आर इज ग्रेटर देन 1। अगर आर 1 से बड़ा है तो उसको पहले रखेंगे, और 1 बड़ा है तो उसको आगे रखेंगे। तो ये हमारा हो गया सम का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक फॉर्मूला और है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, वो आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पे उसका एसएन क्या होगा, एसएन यहाँ पे हमारा क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, और ये हमारा किसका था, सम ऑफ फाइनाइट जीपी। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हमारा इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद एक आपको फॉर्मूला और कराना है, अगर हमें जैसे हम एपी में हमने 10th क्लास में क्या किया था, लास्ट से हमें फाइंड करनी होती है टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इस तरह से। तो अगर जीपी में हमें अगर लास्ट से टर्म फाइंड करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू 1 अपॉन आर की पावर एन माइनस 1। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आपका अप्लाइड मैथ्स वाली बुक में फॉर्मूला गिवन है। तो ये आपको फॉर्मूला रखना है, याद रखना है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, टर्म फ्रॉम लास्ट, अगर लास्ट से हमने कोई टर्म फाइंड करनी है तो ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा। उसके बाद जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है उसके फॉर्मूले में अभी थोड़े रुक के कराऊंगी, उससे पहले हम इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, दैट इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी।
जीपी हमारे गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 अप टू सो, और यहाँ पे हमें फाइंड करनी है कौन सी A20 टर्म्स एंड AN टर्म, टू टर्म्स वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ से सबसे पहले हम A निकालेंगे, A इज अवर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 5/2, देन वी हैव टू फाइंड R, R हमारा क्या होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो इट्स 5/4 अपॉन 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 2s आते हैं, हमारा कितना आया 1/2, तो R भी हमें मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना था A20, तो A पहले हम AN लिखते हैं, AN का फॉर्मूला हमारा क्या था AR की पावर N माइनस 1, तो यहाँ हम R की A की और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो A हमारा कितना था 5/2 इंटू आर, आर इज 1/2 की पावर एन माइनस 1, ये हमारी nth टर्म हो गई। लेकिन जब आपका आंसर गिवन होगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रखा होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 है, तो यहाँ पे हमारा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n सॉरी n माइनस 1 प्लस 1, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा n बचेगा, और ये हमारा बच गया 5, और 1 की पावर कोई भी हो 1 ही रहता है, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 5, तो ये हमारा an आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड A20, तो A20 के लिए या तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो या यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2 की पावर 20, n की जगह हमने क्या रखा 20। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपका एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी, वी हैव टू फाइंड A12 whose 8th term is, ये हमें फाइंड करना है, whose 8th term is 192 and the common ratio R हमारा कितना दे रखा है दैट इज इक्वल टू 2। तो A8 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है A R की पावर n माइनस 1, मतलब 1 उससे कम, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, दैट इज इक्वल टू 192। अब R हमें गिवन है तो यहाँ से हमारा आ जाएगा R की पावर 7, R हमारा कितना था 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 192, तो यहाँ से हमारा क्या आया A इंटू 2 की पावर 7 इज 128, 4, 8, 16, 32, 64, 2 into 2, 2 into 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, और 64 को हम 2 से करेंगे तो हमारा आएगा 128 इक्वल टू 192। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 4 3 4 2 4 4 16, 3 2 4 8, तो यहाँ से हमारा आया 16 2 16, 3 तो A हमारा कितना आ गया 3/2। नाउ व्हाट वी हैव फाइंड, वी हैव टू फाइंड A12, तो A12 का हमारा फॉर्मूला क्या होगा A R की पावर n माइनस 1 दैट इज 11। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A एंड R एंड वी विल गेट अवर रिजल्ट, तो हमारा हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारी गिवन है 2, 2 root 2, 4 up to so on इज 128, इट मीन्स हमारी कौन सी टर्म ए एन हमारी क्या होगी 128 होगी, ये हमें फाइंड करना है यहाँ से एन की वैल्यू कि कौन से नंबर के टर्म पे हमारा क्या होगा 128 टर्म आएगी। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ए हमारा कितना आया 2, आर हमारा क्या होगा आर इज इक्वल टू 2 root 2 upon 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दैट इज ओनली रूट 2। तो फॉर्मूला जब हम लगाएंगे ए एन का, तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 128, ए हमारा 2 है इंटू आर हमारा कितना है रूट 2 की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 128, तो इट्स 2 1 2 6 2 4, तो रूट 2 की पावर एन माइनस 1 और 64 हमारा क्या होता है 2 की पावर 6 होता है दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 6,
और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 को मैं लिख सकती हूँ रूट 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर हमारी कितनी दे रखी है 6, इट मीन्स रूट 2 की पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 2 की पावर 6 टू 12। अब बेस सेम है तो हमारा क्या होगा, पावर इक्वल हो जाएगी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो n हमारा यहाँ से कितना आएगा 13। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप थी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज रिवाइज कराती हूँ। एपी में हमारा क्या था, इन ए बी सी आर इन एपी, तो यहां से हमारा क्या था 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और वी कैन राइट b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। लेकिन जब हमारी एबीसी जब हमारी जीपी में गिवन होती है, ये हमारा किसका था, एपी का था, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और वी कैन राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसपे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स दीज आर इन जीपी। तो नंबर हमारा क्या देखा है, -2/7 एक्स एंड -7/2। तो ये हमारा जीपी में है, तो हमारे मिडल जो टर्म होगी उसका स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या था, मिडल टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ हमारे मिडल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कितना आएगा, दैट इज 1, तो एक्स हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 1। ये रिमेम्बर याद रखना, जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हम प्लस माइनस दोनों साइन लिखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट टाइप हमारी हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है, 0.0015 अप टू सो ऑन, और कहां तक है हमारी 20th टर्म तक है। फाइंड द सम टू द इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि जितनी हमारी टर्म्स दे रखी है उसका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो यहां से ए हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म, दैट इज 0.15, आर हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, पॉइंट हटाया 1, 2, 3, 3, 0 आ गई, पॉइंट हटाया तो यहां हमारी कितनी आएगी 20, 2 से 2 कैंसिल, 15, 1, 15, 1, 0, तो ये हमारा क्या आया 1/10, और वी कैन राइट 0.1, तो ये हमारा आर आ गया। एंड वी हैव टू फाइंड A20, तो A20 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सम का हमें फॉर्मूला लगाना है, तो यहां पे ये हमारा क्या है, लेस देन 1 है, तो हमारा SN का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, A इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, तो A हमारा कितना है 0.15 इंटू 1 - r की पावर n 1 - 0.1 की पावर n अपॉन 1 - r 0.1। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट्स 0.15 इंटू 1 - 0.1 की पावर n अपॉन, यहां पे हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.9 आएगा, पॉइंट हटाएंगे अपॉन 100, पॉइंट हटाया अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3, 3 - 9, 3, 5 - 15, 5, 1 - 5, 5, 2 - 10, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 हमारा ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो इट्स 3/2 1 - 0.1 की पावर n, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना है, जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे जितना आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो उतना सिंपलेस्ट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सपोज करो यहां पे मैं इसी तरह का सम का ही एक क्वेश्चन ले लूं। क्वेश्चन इज x³ (x^5) (x^7) और कहां तक दे रखा है, n टर्म्स तक, तो वी हैव टू फाइंड द टर्म सम ऑफ n टर्म्स। तो यहां पे सबसे पहले हमारा क्या होगा, a दैट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म x³, r हमारा क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू x²। हमें x² हमेशा क्या होता है, मोर देन 1 होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो वैसे तो आप इसमें कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि माइनस साइन आके कॉमन आके कट जाता है,
तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा Sn का, Sn इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ए हमारा कितना आ गया एक्स क्यूब इंटू, सॉरी फॉर्मूला मैंने आपका टर्म का ए एन का लगा दिया, तो इट्स वन माइनस आर की पावर, उल्टा लगा लो कोई बात नहीं, इट्स आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए हमारा कितना है एक्स क्यूब आर की पावर एन, इट मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हमारा हो गया एक्स की पावर टू एन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका आंसर पीछे ऐसे दिया हुआ है एक्स क्यूब इंटू वन माइनस एक्स की पावर टू एन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, यहां से माइनस साइन कॉमन लिया, तो वो आके कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एन टर्म का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वी हैव टू फाइंड सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू 11 इंटू 2 प्लस 3 की पावर के। अब देखो इसको उसने क्या किया है कि वर्ड्स में ना लिखे सिग्मा दे दिया है, मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है सम ऑफ, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगेगा। तो जब हम सम निकालेंगे तो यहाँ पे टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से और कहाँ तक जा रही है 11 तक, तो जब हम इसमें हमें फाइंड करना है सम, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, और कहाँ तक फाइंड करना है 2 प्लस 3 की पावर 11 तक हमें सम फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारे दो तरह के नंबर्स का एडिशन हो गया, एक तो हमारा 2 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है 11 टाइम्स, तो 11 2 20 22, तो इसका सम तो कितना हो गया 22, और साथ में हमारा क्या बचा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक बचा 3 की पावर 11 तक, और ये हमारी क्या बन गई जीपी बन गई। तो हम इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ ए हमारा कितना है 3 और आर भी हमारा कितना आएगा 3, तो 3 हमारा क्या है मोर देन 1 है, तो फॉर्मूला लगेगा 22 प्लस ए, ए इज 3 इंटू आर की पावर एन 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाह रही हूं, कुछ रिजल्ट मैं आपको लिखवा देती हूं। अगर जीपी में हमें 3 टर्म्स को लेना है, जैसे हम एपी में 3 टर्म्स को लेते थे, तो बीच में हमारा ए होता था, इधर हमारा ए प्लस बी होता था, इधर हमारा क्या होता था ए माइनस बी, ये हमारा एपी में 3 टर्म्स लेने का फॉर्मूला आपको कराया था। अगर आप हमें जीपी में इस तरह की 3 टर्म्स लेनी है, तो बीच में हमारा क्या होगा ए आर, इधर हमारा एक टर्म ज्यादा होगी और इधर हमारी एक टर्म कम होगी। तो ये हमारा कब होगा जब वी हैव टू टेक 3 टर्म्स, और 5 टर्म्स लेनी है तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए ए आर और ए आर स्क्वायर, ये हमारा किसका है 5 टर्म्स का है, ये किसका है 3 टर्म्स का है। और अगर हमें इवन नंबर में वी हैव टू टेक द टर्म्स, तो इवन नंबर में जब हम टर्म्स लेंगे तो ये हमारा होगा ए आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, दो दो का गैप हम लेते हैं। और हम अगर एपी में भी देखें तो एपी में भी हम क्या करते थे 2 2 का गैप लेते थे, तो यहां भी हम क्या लेंगे 2 2 का गैप लेंगे पावर्स में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, जीपी के 3 टर्म्स की बात हो रही है, तो जीपी के 3 टर्म्स हम क्या लेते हैं लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर ए अपॉन आर ए एंड ए आर। तो यहाँ पे गिवन क्या है द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, इट मीन्स ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर दैट इज इक्वल टू 39 अपॉन 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1 ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर,
ये हमारा कितना दे रखा है, वन दे रखा है। फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स, तो हमें सबसे पहले क्या आर फाइंड करना है कॉमन रेशियो, और ये तीनों टर्म्स भी वी हैव टू फाइंड। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर से आर कैंसिल, ए क्यूब हमारा कितना आया वन, इट मीन्स ए बी हमारा कितना आएगा वन। ए की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, वन अपॉन आर प्लस वन प्लस आर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10। एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये हमारा आया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 अपॉन 10 और अपॉन में क्या हो गया आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ गया 39 आर और ये हमारा हो गया 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 10 आर का स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस का 10 इक्वल टू 0। 10 और 10 100 फैक्टराइज करेंगे तो इट्स 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस का 10 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इट्स 5 आर, 5 टू जा 10, 5 फाइव जा 25 माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 5 आर माइनस 2 एंड 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r यहां से हमारा क्या आया 2 अपॉन 5 और 5 अपॉन 2। तो हमें r मिल गया, a वी नो व्हाट इज अवर a, तो a और r की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी सीक्वेंस मिलेगी। तो यहां पे सीक्वेंस हमारी दो सीक्वेंस बन जाएगी, तो फर्स्ट सीक्वेंस हमारी क्या होगी 2 अपॉन 5, ये हमारा 1 था 5 अपॉन 2, और सेकेंड सीक्वेंस क्या बनेगी दैट इज 5 अपॉन 2 1 और 2 अपॉन 5। तो या तो हमारी सीक्वेंस ये होगी या ये थ्री टर्म्स हमारे ये होंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, ये आपका करवाया हुआ है सम का सिर्फ डिफरेंस है 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम एसएन इज इक्वल टू 120। पहले हमारा टर्म का था, अब हमारा किसका आया है सम का आया है। तो यहां से पहले हम ए फाइंड करेंगे तो ए हमारा आ गया 3, आर हमारा क्या आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, एसएन का फॉर्मूला होगा हमारा ए इन टू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये किसके इक्वल आया 120 के। अब ये हम ए और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट अवर एन। तो ए हमारा कितना था 3 इंटू 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। 3 वन जा 3 फोर जा 0, तो यहां से हमारा आया 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा हो गया 3 की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो यहां से हमारा आया 3 की पावर एन इज इक्वल टू 81, और 81 हमारा क्या होता है 3 की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर 3 3 जा 9 27 3 की पावर 4। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे बेस सेम है तो हमारी पावर इक्वल हो जाएगी, तो एन हमारा कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी नेक्स्ट टाइप हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। पहली 3 टर्म का सम ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये हमारा कितना गिवन है दैट इज इक्वल टू 16। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी ए आर क्यूब प्लस ए आर 4 प्लस ए आर 5 दैट इज इक्वल टू 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो
एंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द जीपी। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर एंड सम आपको वी हैव टू फाइंड एस एल ऑल्सो। अब यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और ए और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको आई कैन राइट ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब सेकेंड टर्म से मैं कॉमन ले रही हूं तो ए आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहां से हमारा बचा ए आर क्यूब। तो यहां से हमारा बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अब a इंटू इसकी वैल्यू हमारी क्या थी 16, तो a की और इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 16 और साथ में हमारा कितना है आर क्यू इज इक्वल टू 128। कैंसिल करेंगे 4 4 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 8 जा, तो आर क्यूब हमारा कितना आया दैट इज इक्वल टू 8। तो जब हम इसको करेंगे तो आर क्यूब 8 को वी कैन राइट 2 की पावर 3, तो r हमारा कितना आ गया, r कितना आया हमारा दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें r मिल गया है तो r की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया a प्लस 1 प्लस r 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो a इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 टू 6 और 1 7 इज इक्वल टू 16। तो a हमारा कितना आ गया 16/7। अब हमारे पास a है r है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, मैं आपको लास्ट टर्म से फाइंड करने का कराती हूं। फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सॉरी 18 अप टू सोन 3 9 6 3 6 6। तो लास्ट टर्म से हमारा यहां पे फॉर्मूला था द फिफ्थ टर्म, या यहां पे हम nth टर्म लिख सकते हैं ताकि हम कॉमन फॉर्मूला में यूज कर पाऊं, द nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था l इंटू 1/r^(n-1) और हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो एल हमारा लास्ट टर्म है दैट इज 3 9 3 6 6 इंटू 1/r, आर हम जब यहां से फाइंड करेंगे तो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो हमारा कितना आ गया 3 पावर n, n की जगह 5 है -1, तो ये हमारा आ गया 3 9 3 6 6 इंटू 1/3 की पावर 4। अब यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड यू विल गेट यूर आंसर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 4 को आई कैन राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 3 2, फिर हमारा 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 4 जा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो इट्स 3 1 3 4 3 5 3 8, फिर 3 से कैंसिल किया 3 4 जा 12 और 3 8 जा और 3 6 जा, तो यहां से हमारा आंसर क्या है दैट इज इक्वल टू 486। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया फाइंड द टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से फाइंड करने का। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।